दुर्ग में 12वीं बोर्ड परीक्षा हुई शुरू। बुधवार को पहले दिन दुर्ग में 15,974 परीक्षार्थी हुए शामिल। छात्र छात्राओं ने ऑफलाइन परीक्षा दिए जाने पर जताई नाराजगी। दुर्ग जिले में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आरंभ हुई, जिसके प्रथम दिन बुधवार को जिले में करीब 15,947 परीक्षार्थी शामिल हुए। वहीं दुर्ग के मल्टीपर्पज जेआरडी स्कूल की प्राचार्य एस संगीता नायर ने बताया कि मल्टीपर्पज स्कूल में कुल 383 परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन 12वीं बोर्ड के परीक्षा के पहले दिन 57 बच्चे अनुपस्थित पाए गए। उन्होंने लंबे समय बाद आयोजित हुई ऑफलाइन परीक्षा को लेकर कहा कि स्कूली बच्चे परीक्षा के दौरान काफ़ी उत्साहित दिखाई दिए। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने कोरोना काल को देखते हुए बच्चों के सिलेबस को पहले ही आधा कर दिया है और सभी प्रश्नों के लिए प्रश्नों की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है, जिसके तहत हिंदी में 36, अंग्रेजी में 33 और मुख्य विषयों के लिए 26 प्रश्न हल करने होंगे, जिसे लेकर जहां कुछ छात्र छात्राओं में उत्साह है, वहीं कुछ छात्र छात्राएं पढ़ाई के बीच आयोजित हो रही ऑफलाइन परीक्षा को लेकर नाराज भी दिखाई दी। वहीं 10वीं की परीक्षा 3 मार्च से हिंदी और अंग्रेजी विशिष्ट की होगी। यह परीक्षा भी सुबह 9 बजे शुरू होगी। जानकारी के अनुसार जिले के 124 केंद्रों में 20,136 विद्यार्थी शामिल होंगे, जिसकी तैयारी हो चुकी है। परीक्षा को लेकर जेआरडी स्कूल की प्राचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे यहाँ पे नियमित 168 थे 12वीं के, और स्वाधाई वाले प्राइवेट वाले 215 हैं। टोटल 383 का स्ट्रेंथ है, 401 था, 383 का स्ट्रेंथ है, उसमें 57 बच्चे आज एबसेंट। सर बहुत खुशियाँ बच्चों को मिली है, शायद लगता है उनको एक जन्नत मिल गया, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं बच्चों के चेहरे पे खुशियाँ देखी हूँ, और ऐसा लग रहा था कि उन लोग सब भूल गए थे स्कूल में साथ में परीक्षा देना, और क्या बोलना चाहिए, साथ में बैठ के एक एग्ज़ाम को फेस करना, और सबके मन में बहुत ऐसा लग रहा था एक स्पोर्टिंग स्पिरिट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स था, और फीलिंग्स था कि हम सब बच्चों के बीच में बैठ के टीचर्स भी वैल्यूएशन, उनको बहुत अच्छा लगा। मुझे मेरा अनुभव ये कहता है कि बच्चे बहुत खुश थे। सर इसमें कोर्सेस बहुत कम कर दिए हैं सर, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत 30% कोर्स को मिले, उनका असाइनमेंट है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, काफ़ी बच्चों को रिलैक्सेशन दिया गया है, और इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा पेपर भी आया था, बच्चे बहुत अच्छे से उसको कर रहे हैं। और क्या बोलना चाहिए, जो गवर्नमेंट ने इस प्रकार की योजनाएं जो बनाई है कि कोर्स कम करे कोरोना काल में, और जिस प्रकार से उन्होंने प्रैक्टिकल्स लिया है, असाइनमेंट जमा किया है, प्रैक्टिकल से भी बच्चों की उपस्थिति पूरी रही है, तो बहुत अच्छा। बच्चे काफ़ी, मैं क्योंकि एक एक बच्चों से मैं रूबरू हुई हूँ और बच्चे काफ़ी खुश हैं। हमने जो ऑनलाइन से पढ़ा उसमें से कोई चीज़ नहीं आया, और जो बुक में है और जो गाइड की है उसमें से सीधा व्हाट्सएप की तरफ हो वो तो बुक में दिया था। कितने नंबर का था वो, क्या था नंबर का था? इसी तरह का फोन था सर, बस पढ़ाई ऐसी चली जैसे कि कचरा, और कुछ पढ़ाई नहीं हुआ है, बस ऑनलाइन ऑनलाइन कर दी, इन लोग को ऑफलाइन में बैठा दिए हमको। अब किसी पर असाइनमेंट बोले थे कि असाइनमेंट दो अभी नंबर नहीं था सर, बोल दी कि असाइनमेंट का नंबर मिलेगा, बता असाइनमेंट देने से क्या मतलब, हम लोग सरकार ऐसे डिसीजन दे रही कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चार नहीं घर से पढ़ नहीं पा, अच्छी नंबर का पेपर है, 10 नंबर का पेपर है, हमसे आगे नहीं हम लोग करना। सर आज का पेपर तो बहुत ही अच्छा गंदा गया है, ऑनलाइन क्लास हुआ करके हम लोग कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, और कुछ इशू हो, डाटा इशू होता है, हर प्रॉब्लम होता है, इसी के लिए हम लोग ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए, और जो ऑनलाइन क्लास नहीं करेगा सर वो कैसे पेपर देगा, ऑनलाइन क्लास हुआ तो ऑनलाइन पेपर भी होना चाहिए। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।